आटा चक्की और मसाला मिल का बिजनेस कैसे शुरू करें। हर व्यक्ति चाहता है कि वो कोई ऐसा बिजनेस करे जिससे वो ज्यादा मुनाफा कमा सके। ऐसे में अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो हम आपको ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे शुरू करके आप कम समय में ही ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और ये बिजनेस आटा चक्की यानी फ्लोर मिल बिजनेस है। आटा और मसाला ऐसी चीजें हैं जो हर घर की जरूरत है। ऐसे में आजकल बाजार के सामान में मिलावट होने के कारण लोग इन्हें चक्की पर पिसवाना ज्यादा पसंद करते हैं, या फिर वो किसी ब्रांड का आटा या मसाला इस्तेमाल करते हैं जिससे कि मिलावट की गुंजाइश ना के बराबर होती है। ऐसे में अगर आप खुद का आटा चक्की बिजनेस शुरू करते हैं तो इससे आपको काफी फायदा हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खुद का आटा चक्की या मसाला मिल बिजनेस कैसे शुरू करें और इसे शुरू करने के लिए किन किन जरूरी चीजों की जरूरत होती है। तो वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। जगह का चुनाव। आटा चक्की बिजनेस शुरू करने के लिए आप एक ऐसी जगह को चुनें जहां आपका सारा सामान और मशीनें अच्छी तरह से रखी जा सके। अगर आप छोटा सा आटा चक्की बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको एक छोटी सी दुकान की जरूरत पड़ेगी जो कि 200 से 300 वर्ग फीट की होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक ब्रांड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 2000 से 3000 वर्ग फीट जमीन की जरूरत होगी। कौन कौन से जरूरी लाइसेंस की आवश्यकता होगी। अगर आप एक छोटा सा चक्की बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें आपको किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। वहीं अपनी आटा चक्की कंपनी खोलने के लिए आपको कई तरह के लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको अपने बिजनेस का नाम रजिस्टर कराना होगा ताकि आपके ब्रांड के नाम से कोई दूसरा अपना बिजनेस शुरू ना कर सके। इसके अलावा आपको अपने बिजनेस का टैक्स रजिस्ट्रेशन यानी GST रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। वहीं यह बिजनेस खाने से जुड़ा है इसलिए इस बिजनेस के लिए आपको फूड लाइसेंस लेने की भी जरूरत होगी। इसके अलावा आपको नगर निगम, नगर पालिका आदि से ट्रेड लाइसेंस लेने की भी जरूरत पड़ सकती है। लागत कितनी लगेगी। अगर आप एक छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं तो मशीन और जमीन पर आपके 2.5 से 3 लाख रुपए तक खर्च होंगे। वहीं अगर आपके पास खुद की अपनी जगह है तो आपके जमीन या जगह के पैसे बच जाएंगे और आपको केवल मशीन खरीदनी पड़ेगी जो कि 30 से 50 हजार रुपए तक की मिल जाएगी। वहीं एक ब्रांड बनाने में मशीन, जगह, कर्मचारियों, लाइसेंस, अनाज आदि पर आपके 15 से 27 लाख रुपए तक लग सकते हैं। मुनाफा कितना होगा। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड हर जगह है। घर हो या कोई बेकरी, हर जगह आटा या मसाले का इस्तेमाल करके ही चीजें बनाई जाती हैं। ऐसे में इस बिजनेस को छोटे स्तर पर शुरू करने से आप महीने के हजारों रुपए कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी कंपनी खोलते हैं तो फिर आप इससे महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं और अपने बिजनेस को कई गुना आगे बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि कैसे शुरू करें आटे और मसाले की मिल का बिजनेस। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और बिजनेस आइडियाज के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।